ग्रेटर नोएडा की बसरा कोतवाली क्षेत्र की अमरपाली ड्रीम विलेज सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से हादसा हुआ है। यह घटना ड्रीम वैली ट्रैक जोन 4 में हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मरने वालों में वहां काम करने वाले मजदूर शामिल है। दरअसल गौ सिटी एक मूर्ति के पास इमारत बन रही थी और इसी दौरान इसमें लिफ्ट काफी ऊंचाई से नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि लिफ्ट में निर्माण सामग्री थी और साथ में मजदूर भी थे और अचानक लिफ्ट टूट गई और नीचे लिफ्ट गिर गई। इसी बीच आपको बता दें कि सवाल यही कि लिफ्ट का प्रबंधन भगवान भरोसे क्यों छोड़ा गया। आखिर यमराज के घर ले जाने वाले इस लिफ्ट का गुनहगार कौन है और पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने निर्माण कर रही NBCC के 2 GM, लिफ्ट कंपनी के सुपरवाइजर और इंजीनियर और प्रोजेक्ट साइट के सुपरवाइजर समेत साइट इंचार्ज पर भी केस दर्ज कर लिया है। देखिए, मैं बिल्कुल अमरपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट पर ही घटना स्थल पर मौजूद हूँ। आपको पहले कुछ तस्वीरें वो दिखा दूँ कि किस तरीके से हादसा होता है, क्या कुछ घटना होती है और कैसे ये हादसा होता है। आप देखिए, ये जो आप पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, पीछे ये लिफ्ट यहाँ पर लगी हुई थी और जो लिफ्ट लगाई गई थी ये मजदूरों को लाने के लिए पूरी तरीके से लिफ्ट लगाई गई थी। सुबह जो है बारिश तेज हो रही थी, सुबह से बारिश तेज होने के दौरान में ये हादसा होता है। हादसे के दौरान में उस लिफ्ट के अंदर 9 लोग मौजूद होते हैं जहाँ ये लिफ्ट अचानक से नीचे गिरती है और गिरने पर 9 लोग जो है घायल होते हैं। आप देखिए, चारों तरफ इस पर निर्माण का इस बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है। हजारों की संख्या में इस बिल्डिंग में, निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर जो है हजारों मजदूर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यह उठ रही है कि जब ये घटना होती है उस समय भी निर्माण काम चलता रहता है, जबकि बारिश के दौरान में ये निर्माण काम क्यों चल रहा था, तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल हैं, वो भी अभी जिंदगी और मौत के लिए सांस ले रहे हैं। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगी। आप देखिए किस तरीके से जो मजदूर जो लोग हैं वो अभी भी बिल्डिंग के अंदर ही हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि जो अभी ये लोग बैठे हुए हैं, हालांकि खुद पुलिस जो कर्मी हैं ऊपर सावधानी के लिए बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि सावधान हो जाएं, यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है मजदूरों को। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि बिल्डर की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, यहाँ के जो सुपरवाइजर थे, जो इंजीनियर थे, उनकी लापरवाही देखी जा रही है। जिस तरीके से ये लिफ्ट लगाई गई थी, क्या इसके जो किन बिंदुओं पर जाँच की गई, किन मजबूतियों को देखा गया और किस तरीके से हादसा हुआ, तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। हालाँकि जो मजदूरों की जान गई है उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है दरअसल ये जो एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर ये लिफ्ट गिरने से मौत हुई। अब से पहले जो बिल्डिंगों का काम हो चुका है, जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जो अपार्टमेंट रह रहे हैं उनके अंदर आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो लिफ्ट फंसती हैं, मौत हो जाती है। 142 में एक घटना हुई, महिला की जान गई, उस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ, हालांकि कोई कार्रवाई कड़ी तरीके से नहीं की गई। अभी 2 दिन पहले देखा जाए 134 में कहीं ना कहीं लिफ्ट में महिला फंसती है, बच्चे फंसते हैं, स्कूल के बच्चे फंसते हैं, उन मामलों में सब में मुकदमा दर्ज होता है। दरअसल दर्जनों मुकदमे, सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं गौतम बुद्ध नगर में और आए दिन लिफ्ट को लेकर कड़े कानून को बनाने की मांग की जाती है, एक्ट बनाने की मांग की जाती है, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा नहीं ली जा रही है। और कहीं ना कहीं जो लापरवाही है लगातार सोसाइटियों में देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि जब निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर जब यह काम चल रहा था, एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखा दूं, आप देखिए किस तरीके से एक बड़ी बिल्डिंग है और उसके अंदर हजारों मजदूर इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि जब सुबह से ही बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो बारिश के दौरान में इस काम को क्यों नहीं रोका गया, अगर जो रोका क्यों नहीं गया, कौन उसका जिम्मेदार है। अब ये घटना हुई, घटना होने के दौरान में आप देखिए जुगाड़ू तरीके से ये लिफ्ट लगाई गई और लगभग 11वें फ्लोर से ये लिफ्ट ऊपर से गिरती है और गिरने के बाद ये हादसा होता है। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं, हालांकि अब इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 मजदूर बताए जा रहे हैं, वहीं 5 लोग जो है जिंदगी और मौत के सांस ले रहे हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल में मौके पर पुलिस कमिश्नर और DM जिलाधिकारी खुद यहाँ पर मौके पर
पहुंचे हैं। उनका आश्वासन है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, आश्वासन दिया गया है। हालांकि फिलहाल जो देखा जा रहा है कि थाना बिसरक पुलिस द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर समय रहते हुए पहले से ही अगर जो इस एक्ट पर कार्रवाई की जाती, लिफ्टों वाले मामलों में जो तमाम मामले आ रहे हैं उन मामलों में कार्रवाई की जाती तो इस तरीके की घटना ना देखी जाती। और सबसे बड़ी बात तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अमरपाली ये ड्रीम जो प्रोजेक्ट बनना है, बरसात के समय काम कैसे हो रहा था, कौन कौन इसके जिम्मेदार है, तमाम तरीके की बातें उठ रही हैं। हालांकि कार्रवाई होना लाजमी है और कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, उन मौत का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए उसमें आप लोगों के परिवार के तीन लोग आए, तीन लोग तो आप भी यही काम करते हो? आप भी नहीं करते हैं, हम इधर करते हैं। सारे लोग यहीं पर आसपास काम कर रहे हैं, आसपास कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, तो कुछ पता चला कैसे हुई? कुछ नहीं, हमें तो अभी पता लगे, हमें कहते हैं अभी पता लगे तभी हम बाजे चले आए। तो कितने लोग हैं तुम्हारे परिवार के? यहाँ पर हमारे परिवार के तीन लोग आए, तीन लोग हैं। हाँ। तो तीन अभी तीनों क्या घायल हैं, अस्पताल में? क्या अस्पताल में आए? मामे मैंने फोटो में चेहरा देखो, अभी मोबाइल में, मोबाइल में चेहरा देखो। तो किसे जिम्मेदार मानते हो, क्या हुई थी घटना? कुछ जब हमने तो देखा नहीं, कोई तुम्हारी सुरक्षा होती है कि नहीं होती? कुछ जो है कि सब ऐसे ही काम करते रहते हो भगवान भरोसे? अरे कुछ नहीं भगवान है। तुम्हारे किसी का पता चला कि कौन जीवित है कौन घायल है, कुछ पता चल रहा है? तो अभी तो हम आए सर, हमने देखो ही ना है, तो हम क्या बताएं कि जीवित है कि? अभी हम स्कूल में काम कर रहे हैं, स्कूल में से भाई माए कहता ही। नहीं मतलब बारिश हो रही थी और काम चल रहा था। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार पाठक। विवेक कहाँ के रहने वाले हो आप? झारखंड के। झारखंड के हो, यहाँ पर कितनी तादाद में मजदूर यहाँ काम करते हैं? लगभग लगभग देख रहे 2000 2-3 हजार के लोग काम। सब अपना परिवार चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए। बिल्कुल। क्या आपको लगता है जो ये पूरा हादसा हुआ किसकी जिम्मेदारी मानते हो, किसकी गलती मानते हो? ये तो अपना अपना डिपार्टमेंटल के अपना। नहीं बात ये नहीं, आप लोग जब काम करते हो तो भगवान भरोसे काम करते हो। आपको जो सिक्योरिटी में, अगर ये लिफ्ट का मेंटेनेंस सही समय पे हुआ होता, अगर चीजें होती तो शायद ये हादसा रुक सकता था। हाँ मानते हो इस बात? बिल्कुल। जब काम जिस वक्त जो है ये हादसा हुआ उस वक्त क्या बारिश हो रही थी क्या? हाँ हल्का बारिश हो ही रहा था। बारिश हो रहा था तो बारिश के बीच में भी काम बंद नहीं होता यहाँ पर? काम बंद नहीं, बारिश देखिए रीजन क्या है ना, बारिश समय लिफ्ट बंद हो जाता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो लिफ्ट स्लिप करती है, ऑटोमेटिक स्लिप करती है। तो उसमें हल्का हल्का बूंदा बूंदी हो रहा था। तो देखिए काम का कभी कभी प्रेशर ऐसा होता है कि भाई चलो भाई बारिश कम हो गया है, बंद हो गई है, हम चलते हैं। अब तो भाई दुर्घटना हो गया, अब उसका बात ही अलग है। दुर्घटना तो हो गई, नहीं बारिश में काम नहीं होता। पर बारिश में काम होता है? नहीं बिल्कुल नहीं होता। ये काम कैसे, जब बारिश हो रही थी तो ये लिफ्ट कैसे जो है, जाहिर सी बात इसमें मजदूर थे तो काम के लिए जा रहे थे। अब तो वही बता सकते हैं, क्योंकि बारिश में देखिए हम भी साइड पे चढ़ते हैं। हाँ। तो पर्सनली हमें भी मना किया जाता है। अच्छा। क्योंकि जीएलसी वाले जो भी हैं यहाँ पे ना स्टाफ, वो खुद मना करते आकर। हमारे लिफ्ट का मेंटेनेंस वगैरह होता कि नहीं होता? होता है। लिफ्ट इंचार्ज कौन है? पता नहीं, हमको पता नहीं है। आपको कौन लीड करता है आप यहाँ कंपनी में? हम ठेकेदार थ्रू से काम करते हैं। ठेकेदार कौन है आपके? जीएलसी वाले हैं। अच्छा, तो अलग अलग ठेकेदार हैं? नहीं, जैसे कि जीएलसी एक ही यहाँ पर क्लाइंट है, यही जीएलसी है। जीएलसी? हाँ। जीएलसी कहाँ की है, इसका मालिक कौन है? पता नहीं, हम तो नए नए हैं यहाँ पे। अच्छा, हम जीएलसी एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सबको मैन पावर सप्लाई करता है। बिल्कुल। यहाँ सब बंगाल बिहार उड़ीसा सब जगह से मतलब वही लेबर लाता है यहाँ। बिल्कुल। तो लेबर को क्या क्या सिक्योरिटी देना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी के नॉर्म्स होने चाहिए, ये कुछ बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? बिल्कुल बताया जाता है। हाँ। हमें सेफ्टी भी होती है। हाँ। वो बात नहीं कि नहीं होती है, सेफ्टी भी होती है। अब दुर्घटना हो गई इसकी अलग बात है, नहीं तो सेफ्टी होती है यहाँ पर। चलो ठीक। अभी हम स्कूल में काम कर रहे हैं, स्कूल में से भाई माँ कहता ही। पाली की कंस्ट्रक्शन साइट में हुए हादसे के बाद अब यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस के आप देखिए, पुलिस और पीएसी के जो जवान हैं वो यहां पर इस वक्त जो है आपको गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहां से अब
कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरी जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इस कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ से जो मजदूर हैं उनको यहाँ से हटाया जाए और जो यहाँ पर काम चल रहा है तरीके से बंद करा दिया गया है। और आप ठीक सामने देखिए, अगर वहाँ देखिए, वहाँ पर भी आपको सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी तादाद दिखाई देगी। और अभी यहाँ पर ये चूँकि यही पूरा वो हादसा हुआ था, यही वो पूरी लिफ्ट है जहाँ पर ये गिरी थी, और इसके बाद ये पूरा काम तो बंद करा ही दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर फोर्स बढ़ाई जा रही है और इसके साथ ही यहाँ पर जो काम कर रहे मजदूर हैं उनको भी अब यहाँ से हटाया जाएगा और इस पूरे प्रमाइसिस को, जो कंस्ट्रक्शन साइट है, इसको सील करने की तैयारी हो रही है। इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को सील किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत सारे टावर, आप ये देखिए जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में, ये यहाँ पर एक बड़ा जमावड़ा आपको पुलिस का यहाँ पर दिखाई देगा, पीएसी के जवानों का दिखाई देगा जो है, और बाकायदा यहाँ पर पीएसी की मदद से जो यहाँ के मजदूर हैं इन सब को यहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट से अलग किया जाएगा और उसके बाद इनको सील किया जाएगा। तो ये जो पूरी तैयारी है सीलिंग की वो शुरू हो गई है। कहते हैं कि जब कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, अब जाग रही हैं अथॉरिटी, अब जाग रही हैं प्रशासन। जब इतना बड़ा हादसा हो गया, जबकि जिम्मेदारी थी कि जिस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस वक्त अथॉरिटी, वो तमाम जो है, चाहे वो पुलिस की अथॉरिटी हो, प्रशासन की अथॉरिटी हो, या फिर वो तमाम जो कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करने वाली एजेंसियां हैं, वो ये इंश्योर करती कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन अब जब ये हादसा हो चुका है, हादसे के बाद अब आप इस अपार्टमेंट को भले ही सील कर दो, आप इस पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को भले सील कर दो, लेकिन सवाल ये भी है कि 4 से 5 हज़ार मजदूर बिहार, बंगाल, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आकर के अपने रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ पर लगे हुए हैं, आखिर उनका क्या होगा। ये देखिए, ये तस्वीरें हम साफ तौर पर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और यहाँ से सभी जो मजदूर हैं उनको यहाँ से हटा करके कंस्ट्रक्शन साइट को सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। यानी अब से कुछ देर बाद ये पूरी आम्रपाली की जो कंस्ट्रक्शन साइट है ये सील कर दी जाएगी। इसमें एक एक जगह देखा जा रहा है कि जहाँ कहीं पर भी मजदूर या तो रह रहे हैं या रुके हुए हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। तो अब ये जो प्रक्रिया है सीलिंग की वो शुरू हो गई है। तो हादसे के बाद जिम्मेदार संस्थाएं की जो अक्तियां, न्यूज़ वन इंडिया के तमाम सवाल है कि कंस्ट्रक्शन साइट की जांच करने वाली अथॉरिटी की टीम कहाँ है, और साथ ही सवाल ये भी उठता है कि नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है और क्या कंस्ट्रक्शन साइट की नियमित तौर पर जांच होती है। ये तमाम सवाल है जो न्यूज़ वन इंडिया अथॉरिटी से पूछता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब ये भी सवाल उठता है कि निर्माण के मानकों पर नजर रखने वाली संस्था रेरा इस वक्त कहां है और हादसे के बाद जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है। कंस्ट्रक्शन साइट की जांच करने वाले अथॉरिटी की टीम रेरा कहां है, आपको बता दें कि ये तमाम ऐसे सवाल है जो न्यूज़ वन इंडिया पूछ रहा है। और यूपी में बड़े लिफ्ट हादसे, जी हाँ, बड़े लिफ्ट हादसे हुए हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि 2014 में लखनऊ में जनपथ सचिवालय के लिफ्ट गिरी और कोई हताहत नहीं हुआ, और आगरा 2023 में नोएडा सेक्टर 137 के पारस पियरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरी और 24वें मंजिल से लिफ्ट गिरी और महिला की मौत हो गई और एक बच्चा इस हादसे में घायल हो गया। जुलाई 2023 में लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन होटल के लिफ्ट गिरी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति इस हादसे में घायल हो गया। वहीं जुलाई 2023 में उत्तराखंड के रुद्रपुर में फैक्ट्री की लिफ्ट गिरती है और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो जाती है। वहीं जुलाई 2023 में ही नोएडा में कंपनी की लिफ्ट का ब्रेक फेल हुआ और इस हादसे में एक युवक जख्मी हो गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और 2023 मई में मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में लिफ्ट हादसा हुआ और इस हादसे में भी एक महिला की मौत हो गई और 5 लोग इस हादसे में घायल हुए। वहीं अगर मई की बात करें तो मई में ही गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की कायमेरा सोसाइटी में लिफ्ट गिर जाती है और इस हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हो जाते हैं। तो तमाम ये बड़े हादसे यूपी में जो लिफ्ट के दौरान हुए हैं और इसी में कई लोगों की जाने गई और कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।